पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक के पूरा पानी आ गया है, इसलिए इस बार हम सोफी को छोड़ के जा रहे हैं। और जो मैंने ड्रेस लिया है ना, आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी सोफ़ी से। तो आज है सोफ़ी का नहाने का टाइम, तो सोफ़ी को हम छत पे लेके गए हुए थे नहलाने के लिए। तो नहाने से पहले तो ये बहुत इंजॉय करती है, और जैसे ही नहाने का टाइम हो जाता है तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी डरी डरी सी हो जाती है। बट हमारी सोफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसको जो भी बोलो चुपचाप से बैठ के करने लग जाती है। आप देख रहे हो कितने प्यार से नहा रही है बैठ के। और हमारे दुर्ग का मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, धीरे धीरे करके पूरे बादल काले होते जा रहे थे, और समझ तो आ ही गया था कि थोड़ी देर बाद बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हमारे दुर्ग का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अभी तो खूब बारिश हो रही थी लगातार, बट अभी बारिश थोड़ी सी बंद हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ तक के पूरा पानी आ गया है, वो तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मेरे सारे कपड़े कल ही सूख गए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये पूरे एक टोकनी का कपड़ा मैंने कल धोया था, जो कि बहुत अच्छे से सूख। और हमारी वॉशिंग मशीन एज यूजल खराब पड़ी हुई है, तो ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। फिर से एक हफ्ते का कपड़ा मुझे हाथ से धोना पड़ा, बट कोई नहीं, मैंने धीरे धीरे करके धो लिया। मेरे हेयर भी अभी तक के सूखे नहीं है, पूरे के पूरे गीले हैं, बट मैंने अभी ओपन कर लिया है क्योंकि मेरा खाना तो बन चुका है। हस्बैंड के आने का वेट है, वो आएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद हमें करनी है पैकिंग। मुझे थ्रेडिंग बनाने के लिए भी जाना था क्योंकि मैं फेशियल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कराती, तो सिर्फ थ्रेडिंग बनवानी है, वही बस बच गया है। और कल हो जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम नहीं बनवा सकते, ट्यूसडे को हम थ्रेडिंग, बाल कटवाना ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो आज मंडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं थ्रेडिंग बनवा के काम ख़त्म करके आ जाऊँ। लास्ट मैंने थ्रेडिंग बनवाया था जब हम 2 महीने पहले उज्जैन गए थे, और 2 महीने तक के मैंने कोई थ्रेडिंग नहीं बनाया क्योंकि थ्रेडिंग बनवाने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, और फिर आपको जाना पड़ता है सिर्फ थोड़े से काम के लिए। तो मैं हमेशा कुछ ओकेजन रहता है, या कभी हम बाहर जाते हैं, या फिर और कुछ काम होता तो ही थ्रेडिंग का मुझे याद आता है, तब मैं थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। डी मार्ट में मैंने और मेरी सिस्टर ने जाके बहुत सारे ड्रेसेस धोए, और जो मैंने ड्रेस लिया है ना वो मुझे एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गई, और सबसे बेस्ट पार्ट कि वो मेरी साइज की थी, तो मुझे कोई दूसरी ड्रेस ट्राई नहीं करनी। ड्रेस ट्राई करने के लिए लेके गई थी, वो मेरी एकदम परफेक्ट साइज थी। मैं वो ड्रेस वियर करूँगी, तो आप लोग देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले से ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि ड्रेस बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी लगेगी पहनने के बाद। गाइज मैं आप लोगों को सोफ़ी का बताती हूँ कि लास्ट टाइम जब हम गए थे बाहर, तो हम सोफ़ी को जहाँ से लेके आए थे ना, तो वहाँ पर हम उसे छोड़ के गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो हमने वहीं से ही सोफ़ी को लिया था, तो हमने सोचा कि वो सेफ जगह होगी। बट सोफ़ी जब आई ना, तो उसमें ना छोटे छोटे से कीड़े लग गए हैं, शायद दूसरे डॉग्स के कीड़े हो, इसलिए इस बार हम सोफ़ी को छोड़ के जा रहे हैं मेरे ससुराल वाले घर पे, मतलब मेरे हस्बैंड के घर पे मेरे ससुर जी है, मेरा देवर है, तो मेरे को बहुत अच्छे से रख लेंगे क्योंकि हमारे घर में जब मैं वहां रहती थी तब भी हमारे घर में डॉग्स थे, तो इसलिए सोफी जा रही है कहीं दूसरी जगह नहीं, हमारे घर पे जा रही है वो। सोफी हम लोगों के पहले ही वहां चली जाएगी, तो आज सोफी को मेरे हस्बैंड वहां छोड़ के आने वाले हैं। अगर हो सके तो मैं भी वहां जाऊंगी सोफी को छोड़ने के लिए, मैं देखूंगी कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, कि वहां पर वो रह पाएगी, या मतलब जो भी है मैं देखूंगी वहां पर जाकर। मेरे हस्बैंड के आने तक के मैं थोड़े बहुत सामान निकाल के रखती हूँ जितने भी मुझे याद आते हैं, और फाइनल पैकिंग तो हमारी कल हो जाएगी, तो मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फिर चले गए हम सोफ़ी को छोड़ने के लिए, तो देख सकते हो आपकी सोफ़ी कैसे देख रही थी, इसको ऐसे छोड़ कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं चली गई थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो अभी के लिए बाय गाइस।